वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। देखो, आपके लिए फिर से एक और अमेजिंग वीडियो ले आए हैं, जिसमें वीडियो का आपको पता चल गया होगा कि वीडियो क्या है। जो आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं के आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वैसे मैंने आपके क्वेश्चन पर बहुत सारी वीडियो बना भी दी है, जिसमें आपको वो वीडियो पसंद भी आती है। ऐसा कुछ नहीं पसंद नहीं आती हो, सारी वीडियो पसंद आती है। और ये भी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आपके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इस वाली इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वैसे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखो, आप एक काम और सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां भी जाओ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टा आईडी है mindzoneX। यकीन नहीं आता तो सर्च करके देख सकते हो। वहां जाओ, आप मुझे मैसेज करो, मुझसे बातें कर सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग हर तरह की बातें कर सकते हो, हर तरह का रिप्लाई आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अभी जाओ, क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। देखो, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए हो गया हूं रेडी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अब मैं कर लेता हूं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एलियन नेक्स्ट जब अपनी पूरी ता है तो वह अपने पूरी ताकत लगा दे तो क्या होगा। देखो, एक तो मेरा तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आया नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो। देखो, जितना समझ में आया कि पूरी ताकत लगा दे तो क्या होगा। देखो, अगर वो अच्छाई के लिए ताकत लगा रहा है तो वहाँ जीत जाएगा, बुराई के लिए ताकत लगा रहा है तो पूरे संसार का सर्वनाश होने के लिए थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत पावर है एलियन नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा का थोड़ा उठा सकता, देखो हथौड़ा होएगा वो। देखो, इसका आंसर है उठा तो उसको हर कोई सकता है, जिसमें हल्की सी भी ताकत नहीं है वो ही उठा सकता है। क्योंकि जो हमर है, जो हथौड़ा है, वो ये काम करता है कि जिसको जिस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए काम करता है, वो हर किसी के लिए बना नहीं होता। तो तोड़ का हथौड़ा तो उठा सकता है बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेन केविन की जो स्पीसीज है एस्फोर्सियन, उसमें चेंज हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, वो किसी भी डीएनए में आसानी से चेंज हो सकता है। अगर वो डीएनए ओमनीट्रिक्स में है तो वो आसानी से हो सकता है वो लोक हो, पर वो आसानी से किसी भी उसमें चेंज हो सकता है स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन वर्सेज मार्वल वूविन, तो इसका आंसर सीधा सीधा है बेंटन, क्योंकि बेंटन के पास वो सारे एलियन है जो मार्वल के कैरेक्टर्स के पास पावर्स है। अगर यकीन नहीं आता तो तुम जाकर देख सकते हो। वैसे बेंटन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल के कैरेक्टर्स को चुटकियों में हरा सकते हैं। तो यहाँ तो सीधा सीधा देखा जाए तो हमारा बेंटन आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि बेंटन का जो यूनिवर्स है वो मार्वल के यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा ताकतवर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन ओमनीवर्स वेवेट के हेड पर फिन क्यों नहीं था। दरअसल वो ये था कि जो वेवेट थे वो वेविक की जाति के नहीं थे, मतलब कि स्पीसीज के नहीं थे, वो अलग थे। उन्हें डॉक्टर साइकोवोस द्वारा बनाया गया था, उन्हें बनाया गया था बेन के लिए लड़ने के लिए, लेकिन वो गलती से एक जोम्बी में बन गए जो हर किसी पर अटैक करते थे, इसलिए उन्हें डॉक्टर साइकोवोस ने उन्हें बनाया था। जिस तरह वो बन गए वैसे वो क्रिएट हो गए, तो उनके सिर पर इसलिए फिन नहीं था। अगर वो वेविक के स्पीसीज के होते तो उनके सिर पर फिन जरूर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजमा जिस तरह एमनीटिक्स को अपने पास बुला सकता है, क्या एल्विडो भी अल्टीमेटिक्स को अपने पास बुला सकता है। देखो, एजमत की जो बात है वो बहुत पावरफुल है और उसकी पावर बहुत अलग तक है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन एल्विडो इतना नहीं है। एल्विडो अपने रूप ने तो वापस आया नहीं था, वो थोड़े बहुत काम कर सकता है लेकिन एजमत के बराबर वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो ओमनीटिक्स को भी अल्टीमेटिक्स को अपने पास वापस नहीं बुला सकता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, डार्क स्टार वर्सेस एटॉमिक्स, इसका सीधा सीधा आंसर है एटॉमिक्स, क्योंकि एटॉमिक्स में इतनी केमिकल वाली पावर है कि वो फट जाए तो पूरी कायनात को ख़त्म कर दे, मतलब कि बहुत पावरफुल है, कायनात को ख़त्म नहीं करेगा लेकिन बहुत ताकतवर है एटॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंटन रिबूट में बेंटन वर्सेज यूनिवर्स मूवी में एजमत नलवर्ड में क्यों था। तो वो इसलिए नलवर्ड में था क्योंकि उस डायमेंशन में एक अलग कहानी है और उसमें एजमत को एक विलन के रूप में भी माना गया है, जिसमें आपने बहुत सारे एलियंस भी देखे होंगे जो एक विलन का रूप काम कर रहे थे। तो एजमत भी विलन का रूप माना गया क्योंकि उसने ओमनीट्रिक्स बनाई है, और एजमत को उसमें साथ भी दिखाया गया कि ओमनीट्रिक्स बनाने साथ दिया, तो इसलिए अलग डायमेंशन में एजमत नलवर्ड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बेंटन क्लासिक को अल्टीमेट्रिक्स मिल जाती तो क्या होता। देखो, कुछ नहीं होता, जैसे ओमनीट्रिक्स काम कर रही थी ऐसे अल्टीमेट्रिक्स काम करती, बस पावर ज़्यादा हो जाती। वैसे जो स्टार्टिंग में ओमनीट्रिक्स मिली थी वो टेस्टिंग के लिए दी थी, जो टेस्ट करी जा, मतलब कि बेन द्वारा, ग्रैंडपा मैक्स द्वारा। फिर कंप्लीट ओमनीट्रिक्स आई थी बेंटन ओमनीवर्स में, और अल्टीमेट्रिक्स तो वैसे भी कंप्लीट नहीं थी, इतना हार्ड डिवाइस वैसे भी एजमत किसी को देता भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इंग्लिश में, चलो मैं सीधा सीधा तुम्हें हिंदी में बताता हूँ। केविन और ग्वेन बेंडन क्लासिक में फ्यूचर में एक साथ क्यों नहीं थे, जबकि ओमनीवर्स में वो दोनों एक साथ थे। तो देखो, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जो बेंडन क्लासिक में हमें फ्यूचर दिखाया गया था वो एक अलग टाइमलाइन का था, जिसमें केविन एक बुरा है, ग्वेन एक अलग डायमेंशन में घूम रही है जिसमें उसके साथ कोई और है, केविन के साथ कोई और है, इसलिए वो अलग डायमेंशन था, अलग टाइमलाइन था, इसलिए उसका मैच नहीं करा था बेंडन क्लासिक से। लेकिन बेंडन ओमनीवर्स में जो हमें
टाइमलाइन दिखाई गई थी वो टाइमलाइन मैच करती है बेंटन क्लासिक से, इसलिए उसमें बेन और केविन और ग्वेन सब साथ में थे। उसमें रुक भी दिखाया गया था, मतलब कि सब साथ में थे। उस वाली फ्यूचर में ना तो मैं रुक दिखाया गया ना कोई भी दिखाया गया, पर इसलिए वो अलग टाइमलाइन थी। बेंटन अल्टीमेट में एक और टाइमलाइन दिखाई गई थी जिसमें बेंटन हमें दिखाया गया था, वो भी एक अलग टाइमलाइन का बेंटन था। तो इसलिए बेंटन ओमनिवर्स में साथ थे और बेंटन क्लासिक में साथ नहीं थे। इनका सेकंड क्वेश्चन भी ये कहता है कि केविन क्यों बैड था और क्यों अच्छा था। तो दरअसल मैंने इसमें बता दिया है कि केविन भी उस टाइम पे अलग टाइमलाइन का था और इस ओमनिवर्स में अलग टाइमलाइन में है जिसमें वो अच्छा है और बढ़िया है। उसमें दूसरे टाइमलाइन का था उसमें अच्छा नहीं था, दूसरे टाइमलाइन में और टाइमलाइन में अच्छा भी होगा, क्योंकि आपने बेंटन ओमनिवर्स में एपिसोड देखा होगा जिसमें बहुत सारे बैंड अच्छे थे और बहुत सारे बैंड बुरे भी थे। तो इसलिए अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं कोई नहीं सबके आंसर मिलेंगे, अल्टीमेट बेविक वर्सेस अल्ट्रामैन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है अल्टीमेट बेविक, क्योंकि अल्टीमेट बेविक एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेट यूनिवर्स पे चार्म कास्टर ग्वेन और बेन की दोस्त है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई नेक्स्ट टाइम में ग्वेन की दोस्ती हो सके, चार्म कास्टर बेन की वाइफ ही हो, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अल्टरनेट टाइमलाइन में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियन एक्स वर्सेस डायगोन, तो इसका सीधा सीधा आंसर है एलियन एक्स, क्योंकि एलियन एक्स की पावर बहुत है, डायगोन की भी है लेकिन डायगोन की एलियन एक्स से थोड़ी कम है, एलियन एक्स की ज़्यादा पावर है डायगोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेन की तरह एल्विडो की भी कोई कज़न है? देखो मेरी बात ये ध्यान से सुन लो कि जो एल्विडो है वो एक गैल्वन है, वो गलती से बेन के रूप में आ गया था, तो इसलिए हो सकता है उसकी गैल्वन में ही कोई कज़न हो सकती है और ना हो वो भी मुझे जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोडाइट ग्वेन वर्सेस एलियन एक्स, देखो एलियन एक्स बहुत पावरफुल है, एनोडाइट ग्वेन इतनी पावरफुल नहीं है, वो एनोडाइट बेन के कई एलियन से हार सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोडाइट वर्डेना वर्सेस स्केलन, देखो तुम्हारी जो स्केलन है मेरे समझ में नहीं आया कि ये कौन है, पर बेंटन में एक ऐसी चीज है जिसका नाम है स्केलन और उसके बात करते हो तो यहाँ पर वर्डेना वर्सेस स्केलन में तो स्केलन जीत जाएगा, अगर वर्डेना वर्सेस स्केलन तो यहाँ पर वर्डेना ही जीतेगी, वो आसानी से जीत जाएगी क्योंकि स्केलन पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता बेंटन में, लेकिन एवर्डोन आसानी से जीत जाएगी क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, बहुत पावर है उसके पास की, बहुत तगड़ी पावर है, पता वो दूसरे प्लेनेट तक में रहती है तो उसके पास कितनी पावर है ये सोच लो। चलो आज की बातें यहीं खत्म होते हैं, देखो तुम्हारी क्वेश्चन के क्या मैंने सही आंसर देखे हैं ये भी चेक करके बता दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक कर देना और अभी जाओ टॉपिक सजेस्ट करो मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। देखो तुम्हारे लिए वीडियो पसंद आई है तो क्यों नहीं अच्छे थे, क्यों नहीं पे वीडियो बहुत बनाने में मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है देखने में, तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चलो मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।